क्या कल बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई क्रिएट कर पाएगा, या तो इस लेवल से जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, यहाँ से फॉलो हो सकता है जहां पे उसने फ्राइडे के उसके आसपास क्लोज दिया है। चलिए इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें। मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के डेली चार्ट के अंदर। हमने देखा फ्राइडे के दिन 129 पॉइंट्स का एक बुलिश मूव निफ्टी में हमें देखने को मिला, 0.6% का एक बुलिश मूव निफ्टी ने हमें यहां पे दिया था। बट ऑफ कोर्स निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बुलिश है, उसमें कोई राय दो राय नहीं कि निफ्टी का जो मोमेंटम है वो बुलिश है। अगर आप निफ्टी का वीकली चार्ट भी देख रहे हो, इट इज डेफिनेटली बुलिश। बट यहाँ पे देखिए कुछ चीज है जो आपको चार्ट में देखनी चाहिए, और अगर आप जब इन चीजों को सबसे पहले देखते हो ना, तब आपका एनालिसिस कुछ अलग लेवल पे पहुंच जाता है। यहाँ पे निफ्टी ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर गया, और यहां से वापस गिर गया। ये जो लेवल है वो लेवल हमारे यहाँ पे बन रहा है 22,053 का, और मैं आपको भी यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जो 22,053 का लेवल है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल क्यों बन रहा है, क्योंकि दो रीजन। एक, फ्राइडे जो बैंक निफ्टी ने हाई बनाया विच इज 22,068, जो सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर गया और वापस नीचे आके 40 पे आके क्लोज दे दिया। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब जो चीज बन रही है ना, वो है मंडे का ओपन। मंडे ओपन कहां पे होता है, दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ क्लियर पिक्चर एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। अगर फ्लैट ओपन होता है, जो एक एक, एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बेस्ट होता है, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर निफ्टी को एटलीस्ट लाइफ टाइम हाई तक भी पहुंचना है विच इज 22,126 के आसपास, तो फिर यहां पे कंसोलिडेट होना मंडे फर्स्ट हाफ में ये बहुत जरूरी है। अगर कंसोलिडेट होता है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो लाइफ टाइम हाई तक पहुंच सकता है, और अगर उसको भी क्रॉस करना होगा तो नए बायर्स का डेफिनेटली सहारा चाहिए। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहां पे मंडे फ्लैट ओपन हो, थोड़ा कंसोलिडेट करे और उसके बाद ऊपर जाने की स्टार्टिंग करे, दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एज फार एज निफ्टी इज कंसर्न। ये दो लेवल ऊपर के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ, 22,053 एंड उसके बाद 22,126, जहां पर लाइफ टाइम हाई बना हुआ है। अगर उसके ऊपर जाए तो आप डेफिनेटली फिबोनाची का सहारा ले सकते हो। फिलहाल मैं आर्ली चार्ट पे जाऊं उसके पहले फ्राइडे का जो लो बना था 21,968, उसको एक बार मार्क कर देता हूँ, क्योंकि ये तीन लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए बन रहे हैं। अभी हम चले जाएंगे आर्ली चार्ट के अंदर और देखेंगे कि क्या हमारे निफ्टी के अंदर प्लानिंग बन रही है। देखिए ये जो हाई बना है ना 22,068, ये अपने आप में ही बहुत कुछ बता रहा है, क्योंकि आर्ली कैंडल के तीन आर्ली कैंडल के हाई सिमिलर है। ये कोई 5 मिनट की कैंडल नहीं, आपको इसको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। एक हाई है 22,067, दूसरा हाई 22,065, तीसरा हाई 22,067। मतलब कहीं ना कहीं ये 22,067 का लेवल वाकई बहुत पावरफुल है। बाकी तीन तीन आर्ली कैंडल का हाई सेम कैसे बन सकता है, राइट? सो इस बात को ध्यान रखें। चले अगर नीचे की तरफ गिरता है तो पहला टारगेट में 40 पॉइंट का रखते हुए 22,000 का लेवल प्लान करूंगा। 22,000 एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बनेगा। उसके बाद 21,968 जहां पे फ्राइडे का लो बना हुआ है, फिर यहाँ पे गैप हल्का सा गैप बना हुआ है 969 और 952 के बीच, तो उससे मैं कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है वो हमारे लिए बनेगा 21,914। ओके, 969 के बाद 914 का टारगेट लेके चलेंगे। उसके बाद 881 को हम इंपॉर्टेंस देंगे। 881 के बाद 862, बट दैट्स ओके, इग्नोर कर सकते हो। 824 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो फिलहाल नीचे की तरफ मैं 200 पॉइंट्स का प्रोविजन करके चल रहा हूँ, विच इज आई थिंक मोर देन सफिशियंट। ऊपर की तरफ मैंने 80 पॉइंट्स का प्रोविजन रखा है, 80 पॉइंट्स के बाद लाइफ टाइम हाई आ जाता है, और अगर लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन का सहारा लेके आप यहाँ पे जो है वो अपना नया लेवल, आगे के लेवल्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल रहा है कि नए लेवल्स जो हमारे बन रहे हैं वो कहाँ पे बन रहे हैं और किस लेवल पे आसपास
हम यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। तो इन लेवल को आप ध्यान में रखना, फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करके आप नए लाइफ टाइम हाई के बाद के लेवल्स डेफिनेटली गेट कर सकते हो। कुछ लेवल तो ऑफकोर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहे, बट फिर भी अगर आपको देखना है तो 125 के बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारे लिए हो जाएगा 22,172। अगर 172 क्रॉस करता है तो फिबोनाची एक्सटेंशन मुझे बता रहा है कि नेक्स्ट लेवल जो बन जाएगा वो होगा 268। ये लेवल की प्लानिंग है निफ्टी में। आपको यहाँ पे इस वीडियो में लर्निंग कैसा रहा जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कहने की जरूरत ही नहीं है, अगर इतना पावरफुल कंटेंट आपके लिए बन रहा है तो आपको इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।